जा रहे हैं। तुम भी ना, तुम बाल सवारने आई हो या प्रैक्टिस करने? हेलो कैसिडी, ये लो। वाओ कैस, शायद अजीब एक्सट्रीम के चैंपियन को तुम बहुत अच्छी लगती हो। कम ऑन एमी, कुछ भी मत बोलो। तुम्हारा स्वेटर बहुत ही अच्छा है ग्रेग, वहाँ से मिला, तुम्हारी दादी की अलमारी से। चलो दोस्तों, हम लेट हैं, मैजिक अपना चैलेंज अनाउंस करने वाले हैं। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। सामी जल्दी करो। तुम ठीक हो ग्रेग? हाँ मैं ठीक हूँ। गाइस चलो भी। सब क्या है सैमी, समझ में नहीं आता कि आखिर सबको वॉल्टर में दिखता क्या है। मुझे पता है, उसमें एक अलग ही बात है। शर्ट लगा लो, एलिस भी उसे पसंद करती है। क्या? जरा भी नहीं। अरे छोड़ो, तो तुम ये कह रही हो कि उसके लहराते हुए बाल, उसका फैंसी फुटवर्क देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अब बस करोगी, असल में इन बातों का कोई मतलब नहीं। कम ऑन, एक असली प्लेयर अपने एक्सट्रीम फुटबॉल के जज्बे से बनता है। क्या तुम्हें कोई एग्जांपल दूं? हाँ क्यों नहीं, ग्रेग को ले लो, वो एक असली प्लेयर है, वॉल्टर जितनी चमक धमक के बिना भी। हाँ शायद यही तो प्रॉब्लम है। एक बोनस, हमें थोड़ा समझाओगे वॉल्टर? बहुत आसान है, कल नतीजा सिर्फ स्कोर बोर्ड वाले रिजल्ट्स के हिसाब से नहीं निकलेगा। मैं कुछ समझा नहीं, चैलेंज क्या है? चमक धमक, जो टीम ज्यादा गोल्स बनाएगी उसका पलड़ा भारी होगा हमेशा की तरह, पर उसके बाद पब्लिक ये तय करेगी कि कौन सी टीम में ज्यादा दम था, और इससे उन्हें मिलेगा एक बोनस 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स का। हमें कुछ अलग करना होगा, थोड़ा स्टाइल से खेलना होगा, और इसीलिए तुम सबके जीतने का तो सवाल ही नहीं। और वो पब्लिक वोट कैसे करेगी? आसान है, चीयर करके। समझ गया, ये तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मुझे अपने रेफरी वाले काम पर ध्यान देना होगा, एक वॉलंटियर चाहिए होगा। मैं पॉल, मैं मदद करूंगी, मैं लोगों की आवाज के डेसिबल्स को नापकर पॉइंट्स दूंगी। ठीक है तो फिर तय रहा, मैं तुम्हें अपने कैमरास के आगे जगह बनाकर दे दूंगा। कूल। और अब फील्ड की बात, तुमने कुछ तय किया है? वैसे ये जगह भी चल जाएगी, तुम्हें मंजूर है सैमी? परफेक्ट, तो फिर सब तय रहा, कल मिलते हैं गेम के लिए। कुछ अलग करना होगा से उसका क्या मतलब था? जाने दो ग्रेग, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अरे उल्टा, ये तो हम सबके लिए अच्छा है, बढ़िया फुटवर्क दिखाना है, लोगों से कनेक्ट करना है, वो सब जो मैजिक्स करते हैं और जो हम भी कर सकते हैं। एक मिनट सामी, तुम भूल रहे हो कि सारे मैजिक सुपर स्किल्ड हैं, हम कभी भी उन्हें गेम में नहीं हरा पाएंगे, हमें तो बस अपनी ही तरह से खेलना होगा। तब तक जब तक वॉल्टर फील्ड पर नहीं आता, उसके बाद सारी लड़कियां उसी के लिए चेयरिंग करेंगी, हमारे लिए नहीं। तभी तो हमें अपने जलवों से सबको चौंकाना होगा। तुम्हें नहीं लगता सामी कि अगर हम हमेशा की तरह खेलेंगे तो ही ज्यादा अच्छा होगा, एक टीम की तरह? यही तो हम सबसे अच्छा करते हैं ना। पर हमने चैलेंज मंजूर कर लिया है, तो बताओ कौन शुरू करेगा? मैं, पास करो। काफी अच्छा मूव था। हाँ बहुत अच्छे लूना। अरे वाह लूना, ये वाओ बहुत अच्छे। ऐसे मूव देखकर तो लोग पागल ही हो जाएंगे। अच्छे डिफेंस और तेज दौड़ने के अलावा मुझे और कोई इम्प्रेसिव मूव नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और वैसे भी फिक्र मत करो, जिस प्लेयर पर सबकी नजर होगी वो है ग्रेग। क्या, भला मुझ पर क्यों? क्योंकि तुम ही गोल स्कोरर हो, तुम हो हमारे बड़े स्टार। तुम्हें ऐसा लगता है? जैसा सोचा था वो वैसा नहीं हुआ। ओके, हमें गेम से पहले तुम्हारी स्टाइल पर थोड़ा काम करना होगा। मेरी स्टाइल पर काम? मतलब तुम्हें भी लगता है कि मैं अजीब हूँ? अरे मैंने ऐसा क्या कहा? तुम्हें नहीं लगता तुम ग्रेग पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो? और हाँ, मुझे नहीं लगता वो इस चैलेंज के साथ कंफर्टेबल है। जानता हूँ, पर वो यूं ही घबरा रहा है, फील्ड पर आते ही वो ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ तुम सही हो, पर शायद उसे कोई और बात परेशान कर रही है। ना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है अब कौन करेगा? शायद मुझे ही करना होगा। जो ही वो दूसरी बॉल पास करो। हे कैस, लगता है अजीब एक्सट्रीम के चैंपियन को तुम बहुत अच्छी लगती हो। ठीक है तुम तैयार हो? अब ये देखो, पहले सर पर बैलेंस करो और 360 डिग्रीज। आसान है, ये बॉल जैसे मेरे पैरों से चिपकी रहती है। तो तुम सब मैजिक्स के चैलेंज के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार है डैग। अच्छा बताओ क्या क्या करने वाले हो? ड्रिबलिंग, कमाल के पासेस और सुपर एक्रोबैटिक शॉट्स। हे टैग, तुम हमें अपनी कुछ स्पेशल ट्रिक्स क्यों नहीं सिखा देते? हाँ टैग, चलो हमें दिखाओ। उन ट्रिक्स को देखकर तो सब पक्का ही हम पर मर मिटेंगे। फिर तो हम बोनस पॉइंट्स आसानी से हासिल कर लेंगे। कम
ऑन टैग। पर वो सीखने में मुझे सालों लगे हैं, मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी तुम्हें सब सिखा पाऊंगा। गेम कल है, वक्त नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें लगता ही नहीं कि हम काबिल हैं। नहीं, वो बात नहीं है, तुम सब पहले से ही बहुत अच्छा खेलते हो, तो नए मूव सीखने की क्या जरूरत है। हमें वैसे ही खेलना चाहिए जैसे हम खेलते हैं। तुम्हारे लिए कहना आसान है, पर मैं अब खुद को अजीब नहीं बुलवाना चाहता हूँ। ओ कम ऑन ग्रेग, किसने कहा कि तुम अजीब हो? तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मुझमें कोई स्टाइल नहीं है? बात वो नहीं है, मेरा मतलब था कि वो। मुझे समझाओ मत, मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझ गया था। तुम सही थी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है एनएस। क्या बात होगी? पता नहीं, मैंने उसे पहले कभी ऐसे नहीं देखा। देखो, उसे अभी के लिए अकेला छोड़ देते हैं, हम जाकर प्रैक्टिस करते हैं, वो आ जाएगा। जरा ये नया मूव देखो, एकदम कमाल का है। बहुत अच्छा है, तुम्हारी स्टाइल का तो जवाब नहीं। मुझे पता है। मैजिक्स में बहुत सारी टेक्निक है, पर वो एक टीम की तरह नहीं खेल पाते, पर तुम लोग खेलते हो और इसी से तुम उन्हें हरा सकते हो। तुम्हारी ताकत है तुम्हारा टीम प्ले, और वही बात लोगों को इम्प्रेस भी करेगी। जैसे कि जब हम बॉल पास करते हैं उसे बिना जमीन पर छुए, और फिर ग्रेग अपनी कैरन किक से ऐसा गोल करता है कि सब देखते रह जाते हैं। हाँ जोई, तुमने सही कहा, लोगों को यही सब देखना अच्छा लगता है। एक टीम जो एक साथ खेलती है वो एक अच्छे कोरियोग्राफ्ड डांस की तरह होती है। एक डांस? हम फील्ड पर डांस नहीं करने जाने वाले हैं, सोचो तो कैसा अजीब लगेगा। बहुत अजीब। पर्सनली मुझे खुद को अजीब साबित करने के लिए कुछ नया नहीं करना है। शांत हो जाओ ग्रेग, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो? ये जोई, तुम कमाल हो। ठीक है जोई, अब हमें भी दे दो। हाँ हाँ ठीक है, चलो। अरे पर मैं लूंगा। हे लूना, पास करो। लूना, हे, मजा आ रहा है। तुम्हारी बारी। क्या? ग्रेग ने गोल नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो होना ही था, तुम कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड पासेस कर रहे हो। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अगर हमने कुछ फैंसी नहीं किया तो हम पब्लिक को कभी हमारी तरफ नहीं कर पाएंगे। ये सही है, हमारा मकसद है स्टाइल से खेलना, ताकि हमें वो दो बोनस पॉइंट्स मिल सके। पर हारने पर हमें कोई बोनस नहीं मिलेगा, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे कि हमें पहले गेम जीतना होगा। इनेस सही है सैमी, अगर तुम सिर्फ शो ऑफ करते रहोगे तो सबके सब हारोगे। तुम्हें लगता है इनेस सही है, और किस किस को लगता है मैं सही हूँ? ग्रेग मेरे साथ हो ना। Yes. Oh, come on, Greg. तुमने देखा ना, बात नहीं बन रही है। मैं सैमी के साथ हूँ, हमें शो ऑफ करना ही होगा। लो, हो गया फैसला। लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं, मेजोरिटी रूल्स, इसलिए मुझे भी यही सब करना होगा। इनका कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। ये करने के लिए तुम में थोड़ा स्टाइल होना चाहिए, और तुम्हें देखकर तो साफ पता चलता है तुम में वो है ही नहीं। अगर तुम इतनी स्मार्ट हो एमी, तो तुम ये करके दिखाओ। प्लीज, हम मैजिक्स हैं, हमारी कैटेगरी ही अलग है। इन्हें दिखाओ कैस, अपने सीक्रेट एडमायरर को दिखाओ असली स्टाइल क्या होता है। बस करो एमी, हमें जो भी दिखाना है फील्ड पर दिखाएंगे। ये तो तुमने सही कहा कैस, अगर वो सारे इसके जैसे तो इनकी हार पक्की है। तो कैस चल रही हो? हाँ हाँ, और भी काम है। जाने दो ग्रेग, उन दोनों की बातों पर इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो, तुम नहीं समझोगे सैमी, तुम्हारा कभी किसी ने मजाक नहीं उड़ाया है। क्या? रुको, कहाँ जा रहे हो ग्रेग? ये तो सच है कि ग्रेग में वॉल्टर जैसी बात नहीं है। वॉल्टर? पर ग्रेग उससे 10 गुना बेहतर है। फुटबॉल की बात नहीं कर रहे, मैं उसके पास जा रही हूँ, एक आईडिया आया है, तुम सब प्रैक्टिस करो। वो उन दोनों लड़कियों से भी 10 गुना बेहतर है, समझ में नहीं आ रहा उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो उसका मजाक उड़ाती हैं और वो वही सोच रहा है। पर उसे उन लड़कियों की कोई परवाह नहीं। यही तो तुम गलत हो सैमी, उसे कैसिडी की परवाह है। सच में? पक्का तो नहीं कह सकती, पर जिस तरह वो कभी कभी उसे देखता है उससे तो यही लगता है। तो फिर अब लूना को ही किसी तरह उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाना होगा। वो लड़कियाँ तो पूरी पागल हैं, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। नहीं, वो सही है, मैं वाकई में अजीब हूँ। काश मुझे पता होता कि वो वॉल्टर इतना स्टाइलिश कैसे रहता है। हाँ ये तो है, वॉल्टर की तो बात ही अलग है। देखा ना? नहीं, मैं कहना चाह रही हूँ कि तुम में भी स्टाइल है, तुम्हारा अपना स्टाइल, हमें बस कुछ चीजों को बदलना होगा और फिर तुम भी उस वॉल्टर की तरह कामयाब हो जाओगे। सच में? बिल्कुल, चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मदद करोगी? श्योर। देखो ग्रेग, स्टाइल का मतलब है एक अलग ही एटीट्यूड रखना। अच्छा, अब ऐसे दिखाओ जैसे तुम कूल हो। हाँ मैं कूल हूँ। देखो, खुद को कूल दिखाने के लिए सिर्फ इस तरह चलना ही काफी नहीं है, हमें कुछ और करना होगा। जैसे क्या? तुम्हारा लुक। मेरा लुक?
देखो, ये उन्हें इम्प्रेस करेगा। बहुत अच्छे, दिखा दो। अब रुको, और ओ हे, तुम ठीक हो इनेस? लगी तो नहीं? अब बहुत हुआ सैमी, हम ऐसे नहीं खेलते हैं। हम सबने तय किया था ना, हमने पूरी दोपहर इसी में वक्त बर्बाद कर दिया। आसपास देखो, हमारे पास एक टीम भी नहीं है। जोई अब भी आई है। मेरे ख्याल से एक चीज है सैमी, जिसमें हमने मैजिक टीम को पहले ही मात दे दी है। हम तो उनसे भी ज्यादा बिखरे हुए हैं। सैमी, कितनी बार कहा है कि खिड़की पर बॉल मत मारा करो। मॉम, मैं एक नया मूव ट्राई कर रहा हूँ। तो कहीं और जाकर ट्राई करो। कोई बात समझते ही सो नहीं। तो है, तुमसे किसने पूछा? तुम दोनों को क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मेरे जाने के बाद टीम के साथ क्या हुआ सैमी? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। लगता है जैसे सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं और गेम कल ही है। शायद तुम्हें इनेस की बात माननी चाहिए। लो, तुम एक बार फिर शुरू हो गए। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब तुम सबकी बजाय मेरी साइड लोगे? तुम्हें दिखता नहीं है मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ? एक मिनट रुको सैमी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे ख्याल से तो अब तक लूना और ग्रेग पहुँच गए होंगे। मूड ठीक नहीं है। तो सब आ गए हैं, अब जरा यहाँ ध्यान दो प्लीज। आज का मैच द टीम और मैजिक्स के बीच है। अब सुनो कि मैच कहाँ खेला जाएगा। वो खेला जाएगा प्रोमेनेड में, साउथ एंट्रेंस और कंस्ट्रक्शन साइट के बीच। ठीक है, अब गेम का वक्त हो गया है। टीम क्या हो रहा है, तुम्हारे दो प्लेयर्स कम है? वो डर गए कि वो मैजिक्स के सामने बुद्धू दिखेंगे। बू, हार मानो। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो स्लाय। क्योंकि बुद्धू दिखने में तुम और तुम्हारे टीममेट सबको पीछे छोड़ चुके हैं। हाँ हाँ, ठीक है। वेल, अगर ग्रेग और लूना जल्द ही नहीं आए तो यकीन नहीं हो रहा। पता है, एक्सट्रीम मेकओवर्स में मेरा जवाब नहीं। चलो, कम से कम उस बड़ी टोपी की वजह से वो उन्हें उसका मजाक उड़ाते हुए नहीं देख पाएगा, ये अच्छी बात है। बुरी बात ये है कि शायद उसे फील्ड पर भी कुछ नजर नहीं आएगा। चलो, अब चूंकि सब आ गए हैं, हम गेम शुरू करने की तैयारी कर सकते हैं। संदोष, सब ठीक है? बस एक छोटा सा टेस्ट, चलो मैजिक्स के लिए चीयर करो। अब द टीम के लिए। सब तैयार है, गेम शुरू करते हैं। तो बताओ सैमी, तुम सबने आज कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने का फैसला किया? हमने फिर से उसके बारे में बात नहीं की। जरूरत नहीं है, जो तय किया था वही करेंगे। हम आज स्टाइल से खेलेंगे। पर हाँ, हमें ये समझना है कि हम सभी आज के गेम के स्टार्स हैं, खासकर ग्रेग। लूना, तुमने उसके दिमाग में क्या भर दिया है? उसे बस थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए था। मैंने तो बस उसे उसकी स्टाइल ढूंढने में मदद की। तुम्हें लगता है वो ऐसे कपड़ों में खेल भी पाएगा? ठीक है, दोनों टीम्स अपनी अपनी जगह ले लो। एक टीम की तरह खेलना मत भूलना, याद रहे ये अब भी फुटबॉल ही है। हे, मेरी ले रुको। ये तो वाल्टर के टी-शर्ट की सस्ती कॉपी लगती है। ज्यादा मत बोलो एमी। वैसे भी ग्रेग और वाल्टर को कंपेयर करना ही ना समझी है। शो ऑफ करने से स्टाइल थोड़ी आता है। तुम बॉल टॉस के लिए तैयार हो? देखो और सीखो। फिर मिलेंगे। डिफेंस पर कोई नहीं है। ए, आज बदले बदले दिख रहे हो। क्या हुआ, जलन हो रही है? नहीं, पहले लू। पर वॉल्टर से बचना। ग्रेग, बॉल पास करो। हाँ, पर रुको, पहले मुझे जरा। ओके, फिर से भाग रहा हूँ। नहीं, अब लो। मैं रोक दूंगा, वो भी अपने स्टाइल में। जोई, तुम क्या कर रहे थे? मैजिक्स ने खाता खोल लिया है। सॉरी दोस्तों, चलो लूना दिखाओ अपना कमाल। ठीक है। ए लूना, तुम भूतों के साथ खेल रही हो क्या? हाँ, तुमसे तो अच्छा ही खेल रही हूँ, समझे? वो ये नहीं हो सकता। अब देखो मेरा कमाल। हे रुको, अभी दिखाती हूँ। कहाँ जा रही हो? फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा। ठीक है ग्रेग। हाय कैश, कैसा लगा मेरा नया? ओह नो,
मैजिक्स का दूसरा गोल। यकीन नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, हम हार रहे हैं। मैजिक्स के अब चार गोल हो गए हैं। हाफ टाइम, 5 मिनट का ब्रेक। अब क्या होगा? उनके 4 गोल हो गए, अब हम क्या करेंगे? हम तो गए काम से। अगर हम एक टीम की तरह खेलते तो ऐसा नहीं होता। मैं तो बॉल को छू भी नहीं पाई, सैमी ने ही बॉल पर कब्जा जमा रखा था। तुम ही थी जो अकेले खेल रही थी। यकीन नहीं हो रहा, तुम एक नंबर के झूठे हो। वो, 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 वो। तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ, अपने आप को देखो। गलती तुम सब की है, ना तुम स्कोर कर पाए हो, ना ही ऑडियंस को खुश कर पाए हो। तुम्हें नहीं लगता दोनों कनेक्टेड हैं? सब मेरी गलती है, मैं उनका एक भी शॉट नहीं रोक पाया। नहीं, यहाँ तुम सब की गलती है। तुम सब अकेले वाहवाही बटोरना चाहते हो। तुमने देखा नहीं, जब तुम टीम की तरह खेलते हो तो सब तुम्हारे लिए चीयर करने लगते हैं। मैजिक्स की कॉपी करते हो तब नहीं, मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। तो फिर अब हम क्या करें? हम बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। तुम सही थी इनेस, हम मैजिक्स की नकल नहीं कर सकते, हमें अपनी तरह ही खेलना होगा। तो फिर तय रहा, हम एक टीम की तरह खेलें। हाँ, ऑफेंस और डिफेंस दोनों में। सही कहा, अब मैजिक्स बॉल को छू भी नहीं पाएंगे। सही कहा, चलो हो जाए। तुम्हें कुछ नहीं कहना ग्रेग? मुझे खेलने से कोई एतराज नहीं है, पर मुझे पता है कि सब मुझ पर हंसते ही रहेंगे। मैं ग्रेग, तुम बस अपनी स्पेशलिटी याद रखो, तुम जैसा कैनन शॉट कोई नहीं मार सकता। सबको यही बात अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सच है ग्रेग, तुम इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे गोल स्कोरर हो। तुम्हें वॉल्टर जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम उससे कई गुना बेहतर हो। हाँ, तुम लोग सही हो, वैसे भी लग रहा है जैसे मैंने कोई कॉस्ट्यूम पहनी हो। हाँ, लो, अब ठीक है। हाँ, और अब टीम फिर से एक साथ हो गई। अब तुम सब ग्रेग के कैनन बॉल्स के लिए तैयार हो? जीतेंगे। लो वॉल्टर, जल्दी जाओ। जोई, तुम सब इससे अच्छा नहीं कर सकते क्या? लो इनेस। सैमी, तुम्हारी बारी। कैनन बॉल। अरे वाह इनेस, बात बन रही है। बात तो बननी ही थी, एक लड़की की बात मानोगे तो ऐसा ही होगा। द टीम के 2 गोल। बहुत तेज है। Excuse me, Tingu, तुम नहीं कर पाओगे। Tingu, हाँ? रास्ता से हटो। Oh no! टीम का तीसरा गोल। आसान था। मेरा सर चकरा रहा है। तो इनेस, सीखना चाहोगी स्टाइल किसे कहते हैं? कोशिश कर लो। Come on! इम्प्रेस हुई या नहीं? तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। लूना, ओके मैं कर लूंगी। सैमी, ये लो। मुझे पकड़ सको तो पकड़ो। गोल, स्कोर बराबर। लूना, अब तुम्हारी बारी। कहाँ जा रही हो? अब तुम नहीं बचोगी। चलो बॉल मुझे दो। तुम नहीं कर पाओगी। लूना, यहाँ नीचे, जल्दी पास करो। जल्दी से बॉल ले लो। थैंक यू वेरी मच लूना। खुश हो? पर बेकार मूड, सब तुम्हारी गलती है। इस टीम में मुझे ही सब करना पड़ता है। अब देखो मेरा कमाल। सीटी क्यों बज गई? तुम्हें मिलता है येलो कार्ड। तो बस खेल रहा। मैं तुम्हारी मदद करूं? कैसिडी, थैंक्स। तुम ठीक हो ना? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। चलो अच्छा है। कोई मशहूर होता जा रहा है। अच्छा, सच में? और कोई चारा नहीं है, हमें आखिर मिनट में गोल करना ही है। हमें भी एक टीम की तरह ही खेलना होगा। किसकी तरह खेलना होगा? इसका क्या मतलब होता है? ओके, हम एक टीम की तरह खेलेंगे, पर ध्यान रहे कि सारे पासेस मेरे पास आए। बहुत अच्छे एमी, बॉल को वापस पास करो। ये नहीं। जाओ। चलो सैमी, किसका इंतजार कर रहे हो? वो क्या कर रहा है? ग्रेग, ये तुम्हारे लिए। देर कर दी, तुम कभी स्कोर नहीं कर पाओगे। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? तो
दूर से तो गोल नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। टीम का पांचवा गोल हो गया। गेम मुझे बस देखना था कि तुम ध्यान दे रहे थे कि नहीं। अब चलो देखें शोर वाले मीटर के मुताबिक दो बोनस पॉइंट्स किसने जीते हैं। सुंदोस एमी, बस बताना था कि तुम्हें अभी अभी अजीब एक्सट्रीम चैंपियन ने हरा दिया। ना जाने तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। तुम्हारा जवाब नहीं ग्रेग। सच में ले 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 सच्ची ग्रेग। बस भी करो दोस्तों चलो भी। हमें तीन और पॉइंट्स मिल गए हैं। द टीम टूर्नामेंट में सबसे आगे हो गई है। अगर हमें अच्छी और अपनी खुद की स्टाइल हो तो जीत कदम चूमती है और साथ ही सबका प्यार भी मिलता है। हाँ सब कुछ ठीक हो गया पर फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद तो तुम सबकी हवा उड़ गई थी। ओ, तुम फिर से शुरू हो गए। टैग को लगता है वो फिर से सही था। सुनो अगर तुम्हें एक एक्सट्रीम मेकओवर चाहिए तो मैं बिल्कुल फ्री। मेरी बात मानो टैग, इसकी मत सुनना। क्यों नहीं, एक्सट्रीम मेकओवर्स में मुझसे माहिर और कोई नहीं। हाँ, अजीब एक्सट्रीम मेकओवर्स में। हाँ, हाँ,